टीवी के सबसे कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस को मसालेदार, धमाकेदार और जबरदस्त बनाने के लिए खूब मेहनत की जाती है। वहीं बिग बॉस एक ऐसा शो है जिसमें शामिल होने वाले सितारों की किस्मत चमक उठती है। इस शो की वजह से कई सेलेब्स ने अपने करियर में नई उड़ान भरी, तो वहीं कुछ स्टार्स ऐसे भी रहे जो समय के चलते गुमनाम हो गए। लेकिन ये बात तय है कि बिग बॉस ने कई सितारों को आर्थिक रूप से भी मजबूत किया है और उन्हें सपोर्ट भी किया। आज हम आपको उन स्टार्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने पैसों की तंगी के चलते बिग बॉस का हाथ थामा है। विकास गुप्ता, टीवी प्रोड्यूसर और बिग बॉस सीजन 11 में मास्टरमाइंड के नाम से मशहूर होने वाले विकास गुप्ता एक जाना माना नाम है। विकास अब तक बिग बॉस का 4 बार हिस्सा बन चुके हैं। पिछले सीजन में भी वो सिद्धार्थ शुक्ला के सपोर्टर बनकर आए थे, लेकिन इस सीजन में विकास पैसों की तंगी के कारण शो का हिस्सा बने हैं। शो के होस्ट सलमान खान ने भी बताया था कि विकास को इस वक्त पैसों की बहुत जरूरत है और कर्ज भी है, जिसके कारण वो बिग बॉस 14 का हिस्सा बने हैं। राखी सावंत, आइटम गर्ल राखी सावंत के नाम से हर कोई वाकिफ है। अपनी चुलबुली और नटखट हरकतों के चलते राखी चर्चा में बनी रहती हैं। यूं तो राखी बिग बॉस के पहले सीजन का हिस्सा रह चुकी हैं, लेकिन इस बार राखी आर्थिक तंगी के चलते शो में आई हैं। बिग बॉस 14 में राखी सावंत के आने के पीछे की वजह ये रही कि एक वक्त पर वो कंगाल हो गई थी और उन्हें पैसों की सख्त जरूरत है। राखी शो में कंटेस्टेंट बनकर इसी वजह से शामिल हुई हैं ताकि उन्हें आर्थिक सपोर्ट मिल सके। एजाज खान, शुरुआत से ही शो को जीतने का जज्बा लेकर आए एक्टर एजाज खान ने खुद एक एपिसोड में अपनी आर्थिक परेशानियों के बारे में खुलासा किया था। शो की एक्स कंटेस्टेंट कविता कौशिक से भी उनकी इस बात पर बहस हुई। एजाज ने बताया था कि वो शो में अपने एक दोस्त से उधार लेकर आए हैं। एजाज ने शार्दुल पंडित से बातचीत के दौरान कहा था कि उनके पास अकाउंट में सिर्फ 4,000 रुपए ही थे और मैंने 1.5 लाख रुपए दोस्त से एडवांस लिए हैं। एजाज अपनी आर्थिक तंगी के अलावा शो में अपने डिप्रेशन, शारीरिक शोषण जैसे कई खुलासे कर चुके हैं। शार्दुल पंडित, एजाज खान की तरह ही एक और एक्टर पैसों की तंगी के चलते इस शो में आया और वो थे शार्दुल पंडित। शार्दुल जब बिग बॉस के घर में आने वाले थे, उससे पहले सोशल मीडिया पर वो खुलासा कर गए थे कि उनके पास कोई काम नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें तंगी का सामना करना पड़ रहा है। शार्दुल ने भी बिग बॉस के घर में आने का फैसला इसी वजह से लिया था। हालांकि शार्दुल ज्यादा वक्त तक शो में नहीं टिक सके और शो से बाहर आने के बाद भी वो काम की तलाश में लगे हुए हैं। बता दें कि शार्दुल टीवी शोज बंदनी, गोद भराई, कितनी मोहब्बत है सीजन 2, कुलदीपक और सिद्धि विनायक में काम कर चुके हैं। राहुल देव, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी सीजन के कंटेस्टेंट शो में आर्थिक तंगी के लिए शो का हिस्सा बने हों। इससे पहले भी बिग बॉस सीजन 10 में नजर आ चुके राहुल देव इस शो का हिस्सा सिर्फ इसलिए बने थे क्योंकि वो भी आर्थिक परेशानी से जूझ रहे थे। खुद राहुल देव ने बताया था कि वो बिग बॉस सिर्फ आर्थिक तंगी की वजह से आए थे। शो में उनके आने की वजह उनके बेटे सिद्धार्थ थे जो विदेश में पढ़ रहे थे। उन्हें उसकी पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए था, इसलिए उन्होंने शो का ऑफर स्वीकार किया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बीटाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।